हेलो दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल्ली थॉमसन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ए के टी यू के पी वाई क्यू क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर क्रम से सारे क्वेश्चन अपलोड हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, सो दैट यू इज इक्वल टू दिस इज हार्मोनिक फंक्शन, आल्सो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन ऑफ एफ जेड। यानी यू दिया है और आपसे एफ जेड पूछ रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और शो करा रहे हैं कि ये हार्मोनिक फंक्शन है। क्वेश्चन पूछा गया है 2017-18 में, पेपर कोड EAS 401 में, ठीक है। तो हार्मोनिक शो करने के लिए क्या होगा, लाग्रेंजियस इक्वेशन सेटिस्फाई करा देंगे तो हार्मोनिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, u इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये दिया हुआ है तो डेल यू अपन डेल एक्स निकालो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। इससे uxz कॉमन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें x की जगह z और y की जगह 0 रख लो तो 3z स्क्वायर हुआ। इसी तरीके इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6x। फिर अगेन इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू इसका 0 हो गया और ये हो जाएगा माइनस 6xy। और निकाल लीजिए वैल्यू z कॉमा 0 पर, है ना। तो डेल यू अपॉन डेल y एट z कॉमा 0, तो इसमें x की जगह z, y की जगह 0 रख लो तो 0 हो गया। फिर इसका एक बार डेरिवेटिव और कर लो तो डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को और इसको ऐड कर लो तो कितना हुआ, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस तरीके की है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब यू एक्स कॉमा वाई इज ए हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। तो हार्मोनिक एक चीज़ तो प्रूफ हो गया कि ये हार्मोनिक फंक्शन है। उसके बाद मिल्ली थॉमसन मेथड लगाइए। तो मिल्ली थॉमसन मेथड क्या होती है, हमें एफ डैश जेड की वैल्यू, तो देखिए एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई वी, है ना। ये एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड। अब इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड इक्वल टू होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, है ना। ये एफ डैश जेड की वैल्यू इस दोनों का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। यू दिया है कि वी, क्वेश्चन में यू दिया है तो इसका मतलब ये तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो सी आर इक्वेशन की हेल्प से इसको यू में चेंज कर लो। तो सी आर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। सो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगी, तो यहाँ वैल्यू रख लीजिए माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो गई। फिर मिल्ली थॉमसन मेथड से इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाएगा, ये हुआ आपका एफ जेड इक्वल टू ये डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब यू एक्स और जेड कामा 0, है ना। और ये हो गया माइनस आई इंटू यू वाई जेड कामा 0, है ना। जब भी ये आप इंटीग्रेशन करते हो इसके बाद तो यहाँ जेड कामा 0 हो जाता है, किससे, मिल्ली थॉमसन मेथड से, और डी जेड प्लस सी। तो अब इसमें वैल्यू रख लो तो एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल यू एक्स जेड कामा 0 की वैल्यू 3z स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या आई थी 0, माइनस आई इंटू 0 डी जेड प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन 3z स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो जेड क्यूब अपॉन 3 से 3 कैंसिल तो जेड क्यूब आ गया, तो एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब प्लस सी, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ क्या निकालना था, एफ जेड निकालना था और एक दिखाना था हार्मोनिक फंक्शन, है ना। यू जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है। इसी तरीके अगर वी दिए होते हैं, वी को हार्मोनिक प्रूफ करना होता, मान लीजिए एफ कोई फंक्शन है तो एफ हार्मोनिक फंक्शन होगा अगर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ यू इसी को सेटिस्फाई कर रहा, तो यू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब यू हार्मोनिक फंक्शन हो गया, ठीक है। यू हार्मोनिक फंक्शन और एफ जेड की वैल्यू ये आ गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।